अस्सलामुअलैकुम जी, आप देख रहे हैं हसन ब्रदर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है हसन महमूद जी। आज हम आप दर्दी जो लेडीज़ दर्दी हजरात जो हैं उनके लिए बहुत ही यूनिक गैजेट लेके आए हैं, बहुत ही यूनिक पीस लेके आए हैं, जो कि आप लोगों को एक तंगी आया करती थी। आप कहते थे कि जब लेफ़्ट और राइट फूट आपको हर बार चेंज करना पड़ता था, तो आप लोग ये चाहते थे कि कोई ऐसा पीस आ जाए या कोई ऐसा बूट आ जाए जो कि आपको बार बार बूट खोल लाना पड़े। तो आज वही हमारे पास एक पीस आया, एक बूट आया, गैजेट आया। हम आपको वो लगा कर भी दिखाएंगे, उसको लगाने का तरीका भी बताएंगे, और दूसरा आपको चला कर भी दिखाएंगे कि वो वर्क कैसे कर रहा है। तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा ताकि आप जो है कोई भी पार्ट मिस ना करें, तो ताकि आपको जो है वो बूट लगाना भी आसानी से पता लग जाए और दूसरे नंबर पर आप किसी किस्म की तंगी से ना गुजरें। आए हम आपको पहले बूट दिखाते हैं। ये देखें जी, ये बूट हमें मिलेगा पैकिंग में से इस तरह से, ये खुला मिलेगा हमें। अब हमने इसको लगाना किस तरह है, ये तीन चीज़ें निकलेंगी। एक के साथ स्क्रू है, ये बूट है, इसमें आप देख सकते हैं उन्होंने तीनों चीज़ों के फंक्शन दिए हुए हैं। ये आपको मिला हुआ है जी लेफ़्ट साइड का, ये सेंटर में चलेगा, और ये आपको मिला हुआ राइट साइड का। तो और दूसरे नंबर पर ये इसकी फ़िटिंग है। अब हम आपको पहले इसकी फ़िटिंग बताते हैं, हमने लगना किस तरह से है। ये पीस हमारा लगता है बूट में, बूट वाले जो था ये होता है पीस जिसमें मशीन के अंदर जो होता है जिसको बूट कसा जाता है वो इसके अंदर आएगा। दूसरे नंबर पे ये बूट इस तरह से इसके ऊपर आएगा, ये स्क्रू यहाँ से रख के स्क्रू कसा जाएगा। इस तरह से अब हम बस इस स्क्रू को कस देंगे। अभी हम इसको कहीं पे भी रख के कस देते हैं, बाद में जब हम इसको मशीन पे लगाएंगे तब हमें पता लगेगा कि हमने इसको किधर रख के सेट करना है। ये देख सकते हैं आप, ये बूट हमने अभी फिलहाल एक आइडियल तौर पे जो है हमने इसको लगा लिया। अब इस तरह से इस बूट को रख के हमने, जैसे हम आम बूट लगाते हैं उस तरह से हमने इसको बिठाना है। इस तरह से ये बैठ गया। के बाद ये जो उनका स्क्रू है, आपको इस स्क्रू को सिर्फ एक बार ही कसने की ज़रूरत है, खोलने की ज़रूरत है, बार बार आपको ये वाला स्क्रू नहीं खोलना पड़ेगा जी। अब हम देखते हैं, ये मशीन जब हम घुमाएंगे तो ये बूट सुई लगेगी बिल्कुल बूट के ऊपर। ये आप देख सकते हैं, ये बूट के ऊपर लग रही है सुई। अब इसमें इन्होंने ये एडजस्टमेंट दी हुई है, ये वाला अब हम पेच लूज़ करते हैं। तो पहले हम चलाएँगे इसको सेंटर में, सेंटर के हिसाब से हमने सुई को पुल डाउन कर लिए। देखें वो हमारी सुई बिल्कुल सेंटर में है, सेंटर में करके हम ये वाला पेच कस देंगे अच्छी तरह से ताकि चलती हुई मशीन में ये लूज़ ना हो। ये कस दी है, अब हम आपको मशीन चला के भी दिखाएंगे यहाँ पर। ये देखिए बिल्कुल ठीक और बिल्कुल स्मूथ ये बूट चल रहा है मशीन के ऊपर। तो अब हम आपको इसकी चेंज साइड चेंज करके दिखाते हैं कि वो किस तरह से होनी है। साइड चेंज करने के लिए मिसाल अब हमने इसको चलाना है लेफ़्ट साइड पे, हमने इसको चलाना है। तो लेफ़्ट साइड के लिए हम ये पेज को लूज़ करेंगे, इसको हम यहाँ पर ले जाते हैं, फिर सुई डाउन करके चेक करेंगे सुई लगती तो नहीं बूट के साथ, नहीं लगती। यहाँ पर रख के अब हम इस पेज को फिर से अच्छी तरह से कस देंगे। कसने के बाद इसको कसने के बाद हम एक बार फिर चेक कर लेंगे। ये देखें हमारा बूट सुई के साथ नहीं लग रहा। अब हम आपको यहाँ पे इसको चला कर दिखाते हैं कि ये स्टिच कैसे निकालेगी। ये हम इसको बिल्कुल किनारे पर रख के चलाते हैं। ये देखें ये बिल्कुल स्मूथली ये मशीन चल रही है। इसके बाद हम आपको दूसरी साइड पर ये लगा कर दिखाते हैं कि हमने इसको राइट साइड पे चलाना है। तो उसके लिए फिर से हमने इसी पेज को लूज़ करना है। इस पेज को लूज़ करके अब हमने इसको राइट साइड पे लेके चले जाना है। फिर हल्का सा कस के ये चेक करेंगे सुई लगती तो नहीं है, नहीं लग रही, वहाँ पर एडजस्ट हो गया। अब इसको अच्छी तरह से कस के फिर अब हमने इस वाली साइड पर भी मशीन चलानी है जी। अब कपड़ा रखने के बाद हम फिर एक बार चेक करेंगे इसको कि लगता तो नहीं है, नहीं लगता जी। अब हम आपको ये चला कर दिखाते हैं।
तो आप अब हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमें बताएं आपको किस किस किस्म के गैजेट्स की ज़रूरत है। तो हम कोशिश करेंगे आपको इंशाल्लाह जो है ना नए से नए गैजेट्स से इंट्रोड्यूस कराते रहें। तो देखते रहिए हसन ब्रदर यूट्यूब चैनल।